काल क्या बातें कर रही हो अम्मी के साथ? कह रहे जी हमारे आपस की बात है, पता नहीं काफी देर से मैं देख रहा हूँ अहमद ना, ये समी बिलाल जो ना लगा मम्मी के साथ बातें करने, पता नहीं क्या बातें कर रहा है। आपस की बातें क्या कर रहे हो बिलाल, बताओ तो सही यार। अम्मी आप भी बता दो क्या बातें कर रहे हो आप दोनों। मैं ना यहाँ से निकल रहा था ना, ये ना इधर जो बिलाल है, ये बिलाल अम्मी के साथ बातें कर रहा था, मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा है। तो उनसे मैंने पूछा, कह रहे कि हमारी आपस की बात है, मैं पता नहीं क्या आपस की बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना ये कितने मगन हुए हैं आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे जैसे बड़े पुराने मिले हुए काफ़ी देर के बाद ना। ये देखें और रियान की ना छुट्टियाँ हैं तो अम्मी के पास आके बैठ गई हैं यहाँ पे, कभी अम्मी के लिए पानी लेके आ रहे हैं, अम्मी के लिए कभी कोई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये जैसे लग रहा है कैसे ना छुट्टियों जो ना अम्मी के आज उन्होंने खिदमत करनी है सारी। चलो बिलाल आप बातें करो अम्मी के साथ, मैंने अभी जाना है आटा लेने। जाना मेरे साथ आपने? चलो आगे फिर आओ, चले हम आटा लेने, ये उठा लो, चलो आ जाओ। आज तो मुझे पता लगा बिलाल ट्यूबवेल भी खराब है। हैं ट्यूबवेल खराब है। दोस्तों क्या हाल है सबके, सब खैरियत से हैं? सीमेंट ले लिया, अब यहाँ से लेना है पूरा रेत, आपने देखो शॉपर भरना है पूरा, ठीक है पूरा भर लो। और भरा नहीं बुला आपने अभी तक, ये देखो हमारे पास जितना सीमेंट है ना उसके बराबर आपने रेत भरना है इसको। चलो ठीक काफी हो गया, ओके। रेत जो है मैं और बुला लेके आ गए, अब ऊपर छत पे जाना है, जाके देखना कि जो जहाँ पे लगाना है, बेसिकली ये जो हमारी मोमटी है ना, यहाँ पे बच्चे जब जाते हैं ना ऊपर तो इनसे ना यहाँ पे जो ऊपर नहीं जाया जाता, तो यहाँ पे हम दो स्टेप की जो है यहाँ पे बनाएंगे स्टेप, और उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे दो स्टेप ताकि बच्चे आराम से ऊपर चल जाएं। ना ये दो पौधे ना हम ऊपर ले आए थे, यहाँ पे ना यहाँ पे पड़ती है धूप ज़्यादा, ये देखें ना धूप यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट धूप आ जाती है, इसका अब क्या हुआ है कि ये तो फिर भी ठीक है, ये हमारा जो है ना इसका लेमन का पौधा, लेकिन ये हमारा पौधा जो है ना इसका ये कलियों का पौधा जो मुरझा गया, लेकिन ये आपको पता है कि मोस्टली ना कहते हैं कि जो सर्दियों में ना ये कलियों के पौधे ना ये मुरझा जाते हैं, लेकिन नीचे फिर भी ठीक था, लेकिन ऊपर लेके आए तो ऊपर देखें धूप ज़्यादा पर ये बिल्कुल ख़राब हो गया। ये वाला पौधा ना हम नीचे लेके जा रहे हैं, हमें ये नीचे ले जाओ, इसके ना धूप क्यों देखो बिल्कुल ख़राब हो गया, वैसे भी मौसम नहीं है ऊपर ना धूप का, इसका ध्यान से गिर ना जाना। अब अहमद को बनाना सिखा रहे हैं ना हम सीमेंट के कैसे बनाते हैं, पानी दरमियान में डालो, और डालो अभी कम है, चलो बस करो। अब इसको मिक्स करो साइड से मिक्स करते हैं दरमियान से आराम से। चलो ठीक हो गया, वेरी गुड, अहमद ने सीमेंट जो ना डाल दिया नहीं, अब इसको ईंटों को ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे ना, खुश करें ईंटें, पानी लगा के यहाँ पे दो स्टेप बना लेंगे हम, ठीक है ना यहाँ पे। चलो ठीक है अहमद, अब से वेरी गुड। ए फ्यू मिनट्स लेटर स्टेप बन गया, बिलाल आराम से यहाँ से उतरेगा, एक ये स्टेप बन गया ऊपर जाने के लिए, अभी बच्चे क्योंकि बड़े तंग होते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए ना, तो बिलाल अभी पहले इसको ना सूखने देना है हमने, ठीक है ये सूख जाएगा ना, उसके बाद फिर आपने इधर से फिर ऊपर से आराम से ना ऊपर जा सकते हो। अब दोस्त हमने क्या करना है कि नीचे जो है ना, अभी हमने जो मैंने क्यारी बनाई थी उसके लिए ना मैंने एक्चुअली वो मट्टी लेके आनी है बाबा जी से, और उसके ऊपर हम जो पौधे लगाने हैं वो हम लगाएंगे, और थोड़ी सी जो है ना हमने जो ना सेटिंग भी चेंज करनी है उसकी, अपने पौधों की, बड़े पौधे हम थोड़े से आगे कर लेंगे, छोटे पौधे थोड़े से पीछे करके थोड़ी सी जरा, और स्प्रे भी उनको हमने करने हैं आज, क्योंकि आपको पता है स्प्रे ख़राब जो है ना पौधे, ये देखेंगे ये तो हमारे कलियों का पौधा देख रहे हैं बिल्कुल ही मुरझा गया, पत्ते वगैरह सारे झड़ गए हैं, जिसको हम स्प्रे करेंगे, कुछ पौधों को ना कीड़ा लग गया उसके लिए मैं स्प्रे लेके आया हूँ ना, वो दोनों फिर आप आराम से ऊपर नीचे आ सकते हो, अभी थोड़ा गिले ना अभी नहीं, कल सुबह इसको आप इसके ऊपर खोल जो ना अभी ज़रा मजबूत हो जाएगा कल सुबह तक, बिलाल ध्यान से आओ आराम से, किंदा आराम से आना, बिलाल पकड़ लो सीढ़ी को। दोस्तों जी हमने जो है ना अपनी क्यारी में
ये एलोवेरा का पौधा लगा दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसकी जो ग्रोथ है ना वो अच्छी होगी, और इसमें देखें जड़ें भी इसमें ना फैल सकती है। गमला होता है, गमले में छोटे उसके नीचे जो ना उसके जो साइज छोटा होता है, इसमें माशाल्लाह अच्छा भी होगा और इसकी ग्रोथ भी जो ना ज़बरदस्त हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमारे जो बड़े वाला गमला है ना, जो हमने जो क्यारी बनाई है उसमें भी हमने ना मट्टी डाल दी है। अब उसमें हमने डालनी है ये वाली बेल लगानी है, ये वाली बड़ी बेल देखें ना, इसमें जो ना ये गमला इसका छोटा है, तो माशाल्लाह इसकी देखें ना, माशाल्लाह इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अब इंशाल्लाह हम इसमें लगाएंगे ना इस क्यारी में, तो इसकी ग्रोथ जो है ना माशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी और ज़रा खूबसूरत भी लगेंगे। और पीछे आपने देखे होंगे मेरे कितने माशाल्लाह कितने कितने प्यारे प्यारे, ये देखें हमारी ग्रोथ जो है गमलों की और पौधों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वाली है ना पौधे, ये है हमारे पास टमाटर का, और टमाटर का माशाल्लाह देखे ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसकी जो ना ये देखिए ये फूल निकलना शुरू हो गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम जो टमाटर वाले पौधे हैं ना जितने भी हैं, टमाटर वाले पौधे जितने भी हैं वो हम दोस्तों क्या करेंगे, वो जो ना एक जगह करेंगे इकट्ठे कर देंगे, बाकी जो दूसरे पौधे हैं ना वो एक जगह करेंगे और बड़े वाले पौधे एक साइड पर कर देंगे, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पौधे कौन कौन से हैं और किसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और किसकी दुश्मन में अभी रुकी हुई है, उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर सर्च करेंगे, उसमें खाद या जो भी पूछ के माली वगैरह से हम जो ना उसको उसको भी हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर करेंगे। देखें अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी ये है, ये ऊपर आ रही है, इसकी भी ग्रोथ देखें। अब इस क्यारी में ना हमने खाद और जो मिट्टी है ना मिक्स करके डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा इसको साइड पे करेंगे, वो अंदर वाला जो पौधा ना इसमें लगाएंगे, इसमें तो ये होगा कि जगह पे माशाल्लाह काफ़ी ऊँची है, यहाँ पे साइड पे जो है फैल सकती है इसकी जो बेल पूरी जो है ना इंशाल्लाह। नींबू का हमारा पौधा थोड़े से भी उसकी नशरमा रुकी हुई है, इंशाल्लाह वो भी अच्छा हो जाएगा। और बस दुआ करें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करें। सबसे ज़्यादा हमें जो डर है ना वो इस जगह का लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना मुर्गियाँ आती हैं, सबसे पहले इस पौधे को ख़राब करती हैं, उसके बाद फिर नीचे आती हैं, फिर इसको आस्ते आस्ते इन पौधों को ख़राब करना शुरू कर देती हैं, और हमारे जो जितने पौधे हमारे थोड़े से बड़े होते हैं उनको ख़राब करके ना फिर इधर ही घूमती रहती हैं कि ऊपर जो है ना दोबारा वो जा नहीं सकती। तो हमने बार बार दानिश को मैंने माना कहा है कि यार इसको ना अपने जब आप ऊपर होती हो ना तो आप जो है ना इसको बिल्कुल बेशक आप जो है ना खोल दिया करो, लेकिन जब आप चले जाते हो तो इनको बंद कर दो, ताकि फिर ऊपर कोई नहीं होता ना, तो मुर्गियाँ इधर उधर आके ना हमारे सारे पौधे ख़राब कर देती हैं। दोस्तों आज के व्लॉग में मुझे दीजिएगा यहीं पे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।